हेलो एवरीवन माय नेम सारंग एंड वेलकम टू दी सारंग मोरेज फार्मा एकेडमी तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स पार्ट टू इन द जोश सीरीज प्रिपरेशन विथ इन सब्जेक्ट का नाम है बायोकेमिस्ट्री और वीक नंबर थर्ड तो पिछले पार्ट में यानी कार्बोहाइड्रेट्स पार्ट वन में हमने डिस्कस किया था कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन उसके बाद हमने डिस्कस किया था कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन मतलब कार्बोहाइड्रेट्स कौन से क्लासिफाइड में है जैसे कि मोनोसकाइड्राइड डाईसकाइड्राइड ऑलिगोसकाइड्राइड एंड पॉलीसकाइड्राइड उसके बाद हमने डिस्कस किया था कंपैरिजन बिटवीन रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर उसके बाद हमने देखा था बायोलॉजिकल रोल या फिर फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और सबसे लार्ज थारियस डिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज्म आगे बढ़ते है फर्स्ट स्लाइड के ऊपर तो सबसे पहला स्ट्रक्चर है या फिर शुगर मॉलिक्यूल है स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज उसके बारे में हम स्टडी करेंगे इट इज कम्पोज ऑफ डी ग्लूकोज यूनिट्स हेल्ड टूगेदर बाय्फा one to four glycosidic bond the free aldehyde group present on c1 and second glucose in isomaltose the glucose units are held together by alpha 1 to 6 glycosidic bond cellulobios is another disaccharide identical इन स्ट्रक्चर विथ माल्टोज सेल्यूलोबायोस इज फॉर्म ड्यूरिंग हाइड्रोलाइसिस ऑफ सेल्यूलोस तो माल्टोज के बारे में हम देखेंगे तो माल्टोज एक्चुअली सिर्फ एक ही ग्रुप से या फिर एक ही मोनोसेका से बनी है और वो है ग्लूकोज या फिर डी ग्लूकोज जब डी ग्लूकोज एक साथ लिंक होते हैं विथ द लिंकेज ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड तो हमें माल्टोज ये प्रोडक्ट मिलता है उसके बाद सेलुलोबायोस जो कि एक डायड्राइट है जिसका फिजिकल स्ट्रक्चर बहुत ही हुबे हुब माल्टोज की तरह ही दिखता है उसका फिजिकल स्ट्रक्चर माल्टोस से रिसेम्बल खाता है पर केमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट है और वो सेलुलोज के हाइड्रोलाइसिस के रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट है उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो नेक्स्ट शुगर मॉलिक्यूल है जिसको हम सुक्रोज बोलते हैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे इट कंटेन्स एल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज इट इज सिंबलाइज एज बीटा वन टू तो बेसिकली सुक्रोज एक डायट है, क्योंकि वो दो डिफरेंट मोनोसेकाड्राइट को कंबाइन करके बना हुआ है और वो मोनोसकाइड्राइड है डी ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मतलब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को कंबाइन करने के बाद हमें सुक्रोज एज प्रोडक्ट मिलता है और कैसे वो कंबाइन करते हैं या फिर वो कौन सा लिंक है या फिर कौन सा बॉन्ड के वजह से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज एक साथ रहते हैं और उसका नाम है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और जो अल्फा कार्बन ऑफ ग्लूकोज अल्फा कार्बन ऑफ ग्लूकोज लिंक है बीटा कार्बन ऑफ फ्रुक्टोज विथ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और सुक्रोज को हम केन शुगर भी बोलते हैं जो कि एक इम्पोर्टेंट डाइट सोर्स है एनर्जी का और साथ ही साथ उसको हम स्वीटनिंग एजेंट भी की तरह भी यूज करते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल है लैक्टोज या फिर नेक्स्ट जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिकुल लैक्टोज उसके बारे में हम स्टडी करेंगे तो लैक्टोज को हम मिल्क शुगर भी बोलते हैं क्योंकि ये मिल्क में बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है तो लैक्टोज एक्चुअली दो सेकाइड्राइट से बने है जो कि है बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज जो कि एक साथ जॉइंट है विथ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड मतलब फर्स्ट बीटा या फिर फर्स्ट बीटा कार्बन ऑफ है फर्स्ट फोर्थ बीटा कार्बन ऑफ ग्लूकोज के साथ लैक्टोज ऑफ मिल्क मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स इन न्यूट्रिशन फॉर यंग मैमल्स इट इज हाइड्रोलाइज टू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज जब हम लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन में परफॉर्म करते हैं या फिर लैक्टोज को हम जब डी कम्पोजिशन रिएक्शन उसके ऊपर परफॉर्म करते हैं तो हमें प्रोडक्ट में गैलेक्टोज और ग्लूकोज मिलते हैं और इन दो कंपाउंड को मिला के हमें लैक्टोज ये प्रोडक्ट मिलता है या फिर ये कार्बोहाइड्रेट मिलता है गैलेक्टोज और ग्लूकोज दोनों एक साथ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से ज्वाइंट है उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट उसके बाद जो नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल है वो है स्टार्च उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करेंगे तो स्टार्च इज ए होमोपॉलीसेड्राइड ऑफ डी ग्लूकोज इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एनिमल किंगडम थ्रू ग्रेन्स फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स ऑन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस गेन्स ग्लूकोज द टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ स्टार्च आर अमाइलोज एंड क्र अमाइलोज इज लीनियर और अनब्रांच चेन ऑफ डी ग्लुकोज मॉलिकुलटिन इज ब्रांच इन पार्शल स्ट्रक्चर तो स्टार्स एक्चुअल एक होमोपोलीसे जो की एक पॉलीसकेट्राइट के कैटेगरी में क्लासीफाई होता है पॉलिसेकेट्राइट के होमो पॉलिस और वो सिर्फ एक ही मोनोसेकेट्राइट से बनी है और वो है ग्लूकोज जब बहुत सारे ग्लूकोज एक साथ आकर कनेक्टेड रहते हैं या फिर लिंक रहते हैं तो हमें स्टार्च ये प्रोडक्ट फॉर्म होते हुए दिखाई देता है तो जब हम स्टार्च को के ऊपर हाइड्रोलाइसिस परफॉर्म करते हैं या फिर जब कभी हम स्टार्च को पानी में डालते हैं तो हमें ग्लूकोज एज अ प्रोडक्ट मिलता है पर ऐसे देखा जाए तो स्टार्च बेसिकली दो मेजर कंपोनेंट से बने हैं उसके नाम है अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन तो अमाइलोज एक्चुअली स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है मतलब वो स्ट्रेट स्ट्रक्चर है उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल की मतलब अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक ही लाइन में खड़ी किए जाए उसको एक साथ कनेक्टेड तो हमें अमाइलोज ये कंपाउंड मिलता है और अमाइलोपेक्टिन जो कि एक ब्रांच स्ट्रक्चर है इन पार्शियल मतलब जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक साथ ब्रांच रहते हैं मतलब स्ट्रेट चेन में ना हो के वो अगर ब्रांच स्ट्रक्चर में हमें दे तो हम उसे अमाइलोपेक्टिन बुलाते हैं उसके बाद नेक्स्ट द ग्लूकोज यूनिट्स आर हेल्ड बाय अल्फा वन फोर लिंकेजेस ओनली अल्फा वन फोर लिंकेजेस आर सीन इन अमाइलोज वेर एज एल्फा वन सिक्स ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस So, so, सिर्फ हमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस ही मिलेंगे मतलब फर्स्ट कार्बन पहले ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जो पहला कार्बन वो कनेक्टेड रहेगा फोर्थ कार्बन ऑफ सेकेंड ग्लूकोज और अमाइलोपेक्टिन जो कि एक ब्रांच स्ट्रक्चर है उसमें हमें अल्फा वन टू सिक्स ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड दिखाई देगे, जैसे कि फर्स्ट कार्बन मतलब पहला कार्बन पहले ग्लूकोज का लिंक रहेगा छठे कार्बन सेकेंड ग्लूकोज के साथ तो अमाइलोज एक्चुअली वाटर सोल्युबल है और अमाइलोपेक्टिन वाटर इन है तो अमाइलोपेक्टिन के बारे में मैं बताना चाहूंगा जब मतलब ब्रांच रहते हैं जब बहुत सारे अमाइलोज एक साथ ब्रांच होते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलता है है तो तो का जो ब्रांचिंग नेचर है, अल्फा वन लिंकेज तो उसके बारे में बताना चाहूंगा पहला कार्बन ग्लूकोज मॉलिक्यूल का वो लिंक रहेगा छठे कार्बन दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ जो कि दूसरे ब्रांच में रहेगा और अल्फा वन टू फोर लिंकेज के बारे में देखा जाए तो पहला कार्बन पहले ग्लूकोज मॉलिक्यूल का वो लिंक रहेगा चौथे कार्बन के साथ दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ऊपर तो ये दोनों टाइप के लिंकेजेस हमें में दिखाई देते हैं उसके बाद नेक्स्ट जो सबसे लास्ट वाला स्ट्रक्चर है ग्लाइकोजेन उसके बारे में हम देखेंगे जो तो ग्लाइकोजेन इज रिजर्व कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल एंड फाउंड कंसिडरेबली इन लीवर एंड मसल्स It is made up of D glucose. Glycogen is highly branched polysaccharide in structure and resembles amylopectin in its structure. Glycogen is branch biopolymer consisting of linear glucose chain with approximately of eight to twelve glucose chains. Glucose units are linked together by alpha.

ग्लाइकोजन का रूप धारण कर लेते हैं तो जैसे स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन या फिर स्ट्रक्चरल डिटेलिंग मैंने आपको अमाइलोपेक्टिन के बारे में पता है वैसे ही ग्लाइकोजन का है सिर्फ फर्क इतना ही है कि अमाइलोपेक्टिन में ग्लूकोज यूनिट कम है एज कंपेयर टू ग्लाइकोजन और ग्लाइकोजन में ज़्यादा है अगर हम अमाइलोपेक्टिन में ग्लूकोज की यूनिट बढ़ा दे मतलब उसमें और दो चार ग्लूकोज के यूनिट डाल दे तो वो ग्लाइकोजन का एक रूप धारण कर लेता है उसके बाद नेक्स्ट थैंक्स फॉर लाइक कीजिए कीजिए शेयर सब्सक्राइब कीजिए सारंग मोरे फार्मा एकेडमी को अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे बेझिझक होके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और हाँ अगर आपको फार्मास्यूटिक्स के इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स चाहिए तो आप मेरे ब्लॉक पेज पे विजिट कर सकते हो जिसका नाम है फार्मा माइलस्टोन ब्लॉग्स और उसकी लिंक है डब्ल्यू 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 डॉट फार्मा ब्लॉग्स डॉट डॉट कॉम थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग